हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोग ने धमाकेदार वीडियो लेके आए। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक सिखाने वाला हूं जिसके बाद दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का सम को करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मानोगे दोस्तों, चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? देखिए दोस्तों, आपको लगेगा कि ये दो क्वेश्चन सेम टू सेम है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों क्वेश्चन अलग-अलग टाइप के हैं और अलग-अलग ट्रिक्स आपको सॉल्व करना होगा। मैं इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप चुटकियों में सॉल्व कराओ। देखिए यहां पर, जब यहां पर रूट में देखिए 3-3 दिया हुआ है और यहां पर डॉट 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 दिया है, मतलब डॉट डॉट मतलब क्या है? इनफाइनाइट चलते रहेगा ये, एंड नहीं होगा। तब क्या करना है? सिंपल, यहां पर 3 दिया हुआ है तो यहां पर 3 आपका आंसर हो गया। यहां पर अगर 5 दिया होता तो 5 आंसर हो जाता। अगर यहां पर आपका 7 दिया हो तो 7 आंसर हो जाता है। सिंपल कंसेप्ट है। अब दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर देखोगे तो यहां पर इनफाइनाइट नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? सिंपल स्टेप है, आप क्या करोगे, यहां पर 3 दिया है, ठीक है, तो यहां पर आप 3 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करोगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, क्योंकि पावर में लिखना है, ठीक है। और पावर में क्या लिखना है, आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट मतलब क्या है, आपको दिमाग में रखना है 2 लेना है, ठीक है। स्क्वायर रूट होगा 2 लेना है, क्यूब रूट होगा तो 3 लेना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट है तो यहां पर मैं 2 लिखता हूं। फिर क्या करना है, देखना है कि 3 कितनी बार दिया हुआ है, तो 3 1 2 3 4 बार दिया है, तो 4 बार दिया है, मतलब यहां पर क्या करोगे, 2 पावर 4 लिख दोगे, ठीक है। अब 2 पावर 4 लिखा मैंने, तो 2 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया मैंने। फिर 2 2 4 4 2 8 और 8 2 कितना होगा, 16 होगा, तो यहां पर आप 16 लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, जो नंबर यहां पर आएगा उसमें से दोस्तों 1 माइनस कर देना है और ऊपर लिख देना, इस तरह से हो गया आपका आंसर। सिंपल कंसेप्ट है। देखिए दोस्तों और एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा आपको। यहां पर समझिए कि यहां पर दिया है √5, फिर देखिए यहां पर √5 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपल कंसेप्ट है, यहां पर 5 दिया है, ठीक है, तो आप यहां पर 5 लिख दीजिए, और यहां पर क्या होगा, पावर में आंसर आएगा। और यहां पर स्क्वायर रूट दिया है तो क्या करना है, 2 लिखना है, तो यहां पर आप 2 लिखोगे। और 5 कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 टाइम दिया, तो यहां पर आप क्यूब कर दोगे। अब 2 क्यूब है मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे, तो 2 2 4 और 4 2 कितना होगा, देखिए 8 होगा, तो यहां पर आप 8 लिखोगे। उसके बाद क्या करना है, 8 में -1 कर देना है और वहां पर आएगा, यहां पर 7 आ जाएगा, हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब दोस्तों और भी सारे सम्स लेके आया हूं और बहुत सारे ट्रिक भी लेके आया हूं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बात करना था मुझे, आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीबीएसई क्लास 10 की बात कर रहा हूं मैं, और आपने बहुत से टीचर से यह सुना होगा कि बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर पिछले 10 साल का पेपर अगर आप कर लो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोगों के लिए सैंपल पेपर लेके आया हूं मैं पिछले 10 सालों का, और साथ में दोस्तों टोटली सॉल्व पेपर है, मतलब पिछले 10 साल में जो भी पेपर आए हैं उसका फुल्ली सॉल्यूशन आपको इस बुक में मिल जाएगा। और दोस्तों इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड हैं। और दोस्तों जो अभी पेपर आया था सीबीएसई 2022 21 अप्रैल का जो इशू किया गया था, वो भी सैंपल पेपर सॉल्व दिया हुआ है इस बुक के अंदर। तो ये बुक मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। पसंद आया दोस्तों ये बुक अगर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट जाके परचेज कर लीजिए और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से। और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? देखिए दोस्तों यहां पर क्या दिया है, यहां पर क्यूब रूट दिया है और यहां पर 2 है, फिर से क्यूब रूट स्टार्ट हो रहा है, फिर 2, फिर क्यूब रूट, फिर 2, फिर क्यूब रूट और 2 दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल ट्रिक है दोस्तों, आपको क्या करना है, यहां पर देखो 2 2 और 2 दिया हुआ है ना, तो आप यहां पर 2 लिख दीजिए इस तरह से। फिर क्या करना है आपको, ध्यान देना है कि यहां पर क्यूब रूट दिया है, क्यूब रूट दिया है तो आप यहां पर 3 लिख लोगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप यहां पर काउंट करो कितने टर्म दिए हैं यहां पर, तो यहां पर 1 2 3 4 दिया, राइट, तो यहां पर क्या करोगे, 3 पावर 4 लिख दोगे, ध्यान दीजिए यहां पर। और ये क्यों कर रहा हूं मैं, यहां पर पावर में आने के लिए, ठीक है, तो यहां पर 3 पावर 4 लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, यहां पर कुछ अलग टाइप का करना होगा, तो 3 पावर 4 है, फिर यहां पर आप लिखोगे 3 पावर 3, मतलब एक पावर यहां पर कम हो जाएगा। फिर यहां पर क्या करोगे, 3 पावर 2 होगा, इस तरह से दोस्तों 3 पावर 0 तक आपको लेके आना है, तो यहां पर 3 पावर 1 और यहां पर 3 पावर 0।
अब देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है। यहां पर आप 2 लिखोगे और यहां पर देखिए 3 पावर 0 दिया है। 3 पावर 0 मतलब क्या है, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर आप लिखोगे 1 लिखोगे। उसके बाद यहां पर देखिए 3 पावर 1 दिया है तो यहां पर 3 आएगा, और 3 पावर 2 दिया है मतलब 3 से कितना होगा, 9 होगा, तो यहां पर 9 लिखेंगे। और यहां पर 3 पावर 3 दिया है मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर आपको मिलेगा 27 मिलेगा। और यहां पर देखोगे 3 पावर 4 दिया है मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा इस तरह से, तो 3 3 9 9 3 27 और 27 3 कितना होगा, 81 होगा, तो यहां पर आप 81 लिखोगे। अब देखिए फाइनल आंसर आ जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए 9 + 1 कितना होगा, 10 होगा, ठीक है 10 लिख दिया, और 27 + 3 कितना होगा आपका, 30 होगा। तो सिंपल तरीके से इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा 40 आ जाएगा। देखिए ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक समझ में आया और ट्रिक पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों ये 2 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, यहां पर क्या किया है, यहां पर प्लस प्लस है और यहां पर माइनस माइनस है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल तरीका है। यहां पर देखना होगा आपको कि यहां पर 63 दिया है और यहां पर 2 दिया है, 63 और 2 दिया है। तो आपको क्या करना है, 63 का आपको ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस 2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं 9 मल्टीप्लाई 7 करोगे, अगर 9 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो 63 मिल जाएगा। और यहां पर अगर आप माइनस करते हो ये 2 नंबर को तो आपको यहां पर 2 मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है कि यहां पर प्लस दिया है, अगर प्लस दिया हो तो आपका आंसर बड़ा नंबर जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 9 होगा, ठीक है। और यहां पर माइनस दिया है मतलब क्या करना है, 63 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, यहां पर 2 आना चाहिए। तो 9 7 63, और इसका अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा। और यहां पर माइनस दिया है तो क्या करना होगा, छोटा नंबर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 7 होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सीख चुके हो। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आया दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखिए दोस्तों यहां पर रूट दिया है, यहां पर 12 दिया है, प्लस यहां पर 12 दिया है और यहां पर कोई नंबर नहीं दिया है। जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या समझना है कि यहां पर जब नंबर नहीं दिया जाए तो यहां पर छुपा हुआ है 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 12 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस करने पर 1 आ जाए। तो यहां पर देखोगे अगर 12 का फैक्टर करूंगा मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 4 3 कितना होगा, 12 हो जाएगा। और अगर मैं इन 2 नंबर को माइनस करता हूं तो यहां पर 1 लाना है मुझे, 1 भी आ जाएगा। दोस्तों इतना क्लियर हो गया। अब क्या करोगे कि यहां पर प्लस दिया है तो बड़ा नंबर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा 4 होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आया दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों यहां पर दिया क्या है, यहां पर रूट में 72 दिया है, -√72 - √72 इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पर √56 + √56 + √56... इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर एक लाइन है, ये क्या है दोस्तों, डिवीजन का लाइन है, ठीक है। तो पहले हमें ऊपर का सॉल्व करना होगा। तो यहां पर देखोगे तो 72 दिया है और यहां पर देखोगे नंबर दिया नहीं है। आपको इससे पहले वाला सब में सिखाया मैंने, जब नंबर नहीं दिया हो तो यहां पर 1 छुपा होता है, ठीक है। तो 72 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस करने पर क्या आएगा दोस्तों, 1 आना चाहिए। तो यहां पर 9 मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगा तो 9 8 72 हो जाएगा। और इन 2 नंबर को माइनस करूंगा तो यहां पर मुझे 1 मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और यहां पर माइनस दिया है तो छोटा नंबर जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहां पर 8 आ गया है, इसका आंसर आ गया 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो यहां पर भी नंबर नहीं दिया है, मतलब जो यहां पर नंबर है वो छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो 56 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस करने पर आपको 1 मिल जाए। तो यहां पर 8 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो 8 7 = 56 होगा। और इन 2 नंबर का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, आपको 1 मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर प्लस दिया हुआ है तो क्या होगा, बड़ा नंबर ही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर 8 लिख दोगे। उसके बाद क्या करोगे, यहां पर 8 और यहां पर 8 दिया है, इन दोनों को कैंसिल कर लोगे और आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा, ये भी लिखकर बताइए। और दोस्तों
दोस्तों आप एक लाइक करते हो, आप एक कमेंट करते हो, तो मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो में और बना सकूं, इतना मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिएगा, एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।